सातवां सवाल देखिए, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बटे टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा प्रूव करना है। LHS से चलते हैं, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लेते हैं, माइनस टू साइन क्यूब थीटा बटे टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं है तो साइन और साइन दोनों में कॉमन आ सकता है। साइन थीटा कॉमन लिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक बचता है माइनस टू, और साइन थीटा ले लिए तो यहाँ पर साइन का दो पावर बचेगा क्योंकि एक तो ले ही लिए। चलिए टू कॉस क्यू थीटा, यहाँ भी कॉस कॉमन आएगा, कॉस ले लेते हैं कॉस थीटा, तो बचेगा क्या टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा ले लिए तो वन, ठीक है ये बचा। अब आगे बढ़ते हैं, बराबर साइन थीटा वन माइनस टू है तो टू लिख देते हैं, साइन स्क्वायर बराबर सूत्र होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बटे लिख दिए। अब कॉस थीटा को सेम टू सेम उतार देना है, कॉस थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ध्यान दीजिएगा साइन बटा कॉस हो जाता है टेन थीटा, टेन थीटा ही हमको लाना है, ला दिए लेकिन बाकी सबको तो काटना पड़ेगा। देखिए वन है तो वन माइनस टू गुना वन टू माइनस माइनस प्लस टू गुना का कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ब्रैकेट होगा बट्टा कॉस साइन बटा कॉस टेन हो गया बच्चा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टेन थीटा है तो टेन थीटा वन में से टू को घटाएंगे, ठीक है वन में से टू को घटाएंगे तो माइनस में वन बचेगा, कैसे बचेगा माइनस में क्योंकि माइनस में दो है और एक को हटा देंगे तो माइनस में एक बचेगा, टू कॉस स्क्वायर प्लस में है तो इसको हम प्लस में लिख लेते हैं। अब कहिएगा ये तो बाद में था, देखिए प्लस में है तो किधर भी लिख सकते, इसको इधर लिख दिए, अब वहाँ टू में से एक को हटा दिए तो माइनस है बट्टा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कट गया बच गया बराबर में टेन थीटा, यही लाना था LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवां सवाल की ओर,